So hello friends, in this video we'll find the grades of these curve marks by the help of VLOOKUP function. हम ई फंक्शन से बहुत ही आसानी से ग्रेड्स फाइंड कर सकते हैं, लेकिन VLOOKUP फंक्शन में भी बहुत ही आसानी से हम ग्रेड्स को फाइंड आउट कर सकते हैं. देखिए कैसे इसको फाइंड आउट करें, इसके लिए एकदम लास्ट तक आपको ये वीडियो देखना पड़ेगा और किसी भी जगह पे आप स्किप नहीं कर सकेंगे, क्योंकि ये बहुत ही एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो होना होगा. इसीलिए डोंट स्किप दिस वीडियो एंड वॉच टिल दी एंड. ओके, तो यहाँ पे जो मार्क्स है इसके कॉरेस्पॉन्डिंग ग्रेड को हमें फाइंड आउट करना होगा, लेकिन किस कंडीशंस के आधार पे ग्रेड्स को फाइंड आउट करना होगा इसके लिए LHS पे बहुत सारी कंडीशंस मेंशंस हो गई है. जैसे कि इफ़ मार्क्स इज लेसर देन और इक्वल्स टू 30 देन पास एफ, इफ़ मार्क्स इज ग्रेटर देन 30 एंड लेसर और इक्वल टू 40 देन पास बी. तो इनके हिसाब से हमें ग्रेड्स को फाइंड आउट कर करेंगे, लेकिन हमें यहाँ पर मैनुअली कुछ नहीं करना होगा, सब कुछ VLOOKUP ही कर देगा. तो मैनुअली अगर हम ऐसे टाइप करें तो 80, तो इधर पे लिखा है इफ मार्क्स इज ग्रेटर देन 80, तो मतलब यहाँ पे इक्वल्स टू नहीं है, तो वो उसके ऊपर वाला कंडीशन में जाना होगा और यहाँ पे ए प्लस देना पड़ेगा. नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा. हम यहाँ पे जो कंडीशंस है उसके आधार पे एक टेबल बनाएंगे और टेबल की मदद से हम VLOOKUP को VLOOKUP देंगे और वो वैल्यू रिट्रीव करके देगा. क्यों एक टेबल बनाना पड़ेगा, देखिए VLOOKUP में एक टेबल एरे ज़रूरी है, क्योंकि VLOOKUP में ये जो सेकेंड वाला कंडीशन है यहाँ पे, सेकेंड वाला यू नो एलिमेंट है यहाँ पे, टेबल एरे देना पड़ेगा. यहाँ पे तो कोई टेबल एरे नहीं है, तो हमें एक टेबल एरे बनाना होगा इस कंडीशंस के आधार पे. सो लेट्स मेक अ टेबल एरे. ठीक है, तो यहाँ पे मार्क्स और यहाँ पे ग्रेड लिखे हम. ओके, नाउ मार्क्स सो स्टार्टिंग फ्रॉम जीरो, सो जीरो तो इसके कॉरेस्पॉन्डेंट में एफ, कॉरेस्पॉन्डेंस में एफ ग्रेड देगा. तो VLOOKUP कैसे देखेगा, तो ये ज़ीरो से लेकर जाएगा 1, 2 ऐसे करके बहुत दूर तक जाएगा. कितने दूर तक जाएगा, जहाँ पे हम और एक वैल्यू पुट ना करें, मतलब ज़ीरो के बाद हम अगर कुछ भी वैल्यू पुट ना करें तो ये सारे के सारे जितने भी मार्क्स हो उतने मार्क्स के लिए ये एफ ही दिखाएगा. इसीलिए ना हमें, अच्छा तो ये इसको डीपली अंडरस्टैंडिंग के लिए हमें एक और एक चीज़ देखना पड़ेगा. सो लेट्स गो टू द सेकंड ऑप्शन, इफ़ मार्क्स इज ग्रेटर देन 30 और लेसर एंड लेसर और इक्वल्स टू 40. सो ग्रेटर देन 30 मतलब 30 के इक्वल्स नहीं बोला, तो ग्रेटर देन 30 वो भी एक इंटीजर है, तो वो है 31. हाँ, तब ये पी ग्रेड पास करेगा, क्योंकि ये जो मार्क्स है ये सारे इंटीजर के फॉर्म में है, ये कोई भी डेसिमल के फॉर्म में नहीं है. तो ज़ीरो 30 के ऊपर तो 31 ही होगा, 30 के एकदम ऊपर 31 ही होगा. तो इसके तो हमें इससे अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कि ज़ीरो से कितनी दूर तक ये एफ ग्रेड पास करेगा. सो ज़ीरो से 30 तक ये एफ ग्रेड पास करेगा. अब 31 से ये पी ग्रेड पास करेगा अंटिल एंड अनलेस वी स्पेसिफाई एनी वैल्यू हेयर. ओके, तो लेट्स गो टू द ऑप्शन 3, इफ मार्क्स इज ग्रेटर देन 40. तो ग्रेटर देन 40 बोला मतलब 41, हाँ 41 से क्या वैल्यू होगा, सी वैल्यू होगा. तो यहाँ पे पी जो, तो पी के लिए 31 से 40 तक ये पी वैल्यू पास करेगा. मतलब ये ऑटोमेटिक हो रहा है, ये जो मैं लिख रहा हूँ इसका कोई सिग्निफिकेंस नहीं है, ये समझने के लिए मैं लिख रहा हूँ कि ये जो रेंज है ये कैसे डिफाइन हो रहा है. 0 से लेकर 30 तक चलेगा, 31 से लेकर 40 तक चलेगा. जब भी 0 से स्टार्ट किया तब ये वैल्यू देखते रहेगा, जब ये 31 में आ जाएगा तब भी इसका ग्रेड चेंज हो रहा है, इसीलिए 31 से पहले तक ये जाएगा, ऐसे करके ये हो रहा है. सो 41, अब 41 से लेकर और एक कौन सी कहाँ तक जाएगा, इसके लिए हमें फोर्थ कंडीशन पढ़ना होगा. तो इफ मार्क्स इज ग्रेटर देन 50, तो 51 तो इसके लिए ये पास करेगा बी ग्रेड. तो 41 से लेकर कहाँ तक जाएगा, 50 तक जाएगा. ठीक है, तो यहाँ पे 51 से लेकर कहाँ तक जाएगा इसके लिए फिफ्थ को पढ़ना होगा. सो इफ मार्क्स इज ग्रेटर देन 60, सो 61 से तो इसका क्या ग्रेड होगा, बी प्लस ग्रेड होगा. हाँ, तो यहाँ पे 51 से 60 तक जाएगा.
51 से 60 तक जाएगा, और यहाँ पे 61 से कहाँ तक जाएगा तो इसके लिए हमें 6 को पढ़ना पड़ेगा। इफ मार्क्स इज ग्रेटर देन 70, मतलब 71 के लिए ये क्या ग्रेड, 71 से ये क्या ग्रेड देगा, ए ग्रेड देगा। ओके तो यहाँ पे क्या जाएगा, 61 से बोलिए 70। ओके सो यहाँ से स्टार्ट होगा, 71 से कितना तक जाएगा इसके लिए हमें शायद 1 2 3 4 3 4 5 6 सेवेंथ को पढ़ना होगा। तो इफ मार्क्स इज ग्रेटर देन 80 तो 81 के लिए ए प्लस देगा। तो ये कहाँ तक जाएगा, सॉरी यहाँ पे एक अननेसेसरी जीरो आ गया, सॉरी फॉर टाइम। ओके होता है कभी गलती। सो 71 से कहाँ तक जाएगा, 71 से जाएगा 80 तक। ओके 80 तक ये जाएगा, ये ए ग्रेड पास करेगा। अब 81 से कहाँ तक जाएगा इसके लिए हमें सिक्स सेवेंथ ऑप्शन पढ़ना पड़ेगा। सो इफ मार्क्स इज ग्रेटर देन 90, सो ग्रेटर देन 90 मतलब 91 से लेकर जितने तक है उसके लिए सारे ओ ग्रेड पास करेगा। ओ हाँ तो ये कहाँ तक जाएगा, 81 से 90 तक। ठीक है तो इतना ही हमारा जो, तो यहाँ पे इसको सेपरेट कर दे हम, तो उसके लिए वो ओग्रेड 90 से एकदम जितना भी दूर जाएगा उसके लिए वो ओग्रेड पास करेगा। तो इसका कोई लिमिटेशन नहीं है, ये 91 से एकदम 100 तक या 100 से भी ऊपर ओग्रेड पास करेगा। तो इसका सिग्निफिकेंस सो है ये कि 0 से लेकर 30 तक ये ए ग्रेड पास करेगा। कैसे करेगा मैंने बताया पूरा। तो हमारा टेबल एरे बन चुका, तो हम वी लुकअप बहुत ही आसानी से हम पास कर सकेंगे। सो वी लुकअप, नाउ लुकअप वैल्यू इज दी हेयर इज इट, इट इज लुकअप वैल्यू। नाउ टेबल एरे बहुत ही आसानी से, टेबल एरे ये है, सॉरी बहुत ही आसानी से टेबल एरे ये है, ये हमने टेबल एरे दिखाया। अब इसको हमें फिक्स करना पड़ेगा, एज यू नो दैट माई एफोर्ड की इज ब्रोकन, दैट्स वाई आई कांट डू इट, सो आई विल हैव टू डू इट मैनुअली। अब दो, और यहाँ पे देखिए वी लुकअप में दो तरह की मैचेस होती है, ये होता है ट्रू मतलब अप्रॉक्सीमेट मैच, और एक होता है फॉल्स मतलब एग्जैक्ट मैच। अब अप्रॉक्सीमेट एग्जैक्ट मैच का मतलब क्या होता है, वी लुकअप में मैंने पहले जो एग्जाम्पल्स यहाँ मैंने दिया है उन सब में एग्जैक्ट मैच होता है, मतलब एग्जैक्ट वो वैल्यू टेबल में रहता है और उसके हिसाब से वो रिट्रीव करके लाता है। लेकिन यहाँ पे कुछ एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, यहाँ पे जो भी वैल्यूज है वो सब है अप्रॉक्सीमेट वैल्यू। क्योंकि देखिए जस्ट गिव मी अ सेकंड, देखिए 20 यहाँ पे कहीं पे भी 20 नहीं है, तो दिख नहीं रहा आपको शायद। सो जस्ट पुट वन, हाँ वन इज फॉर एग्जैक्ट मैच। देखिए क्यों मैंने बोला 20 यहाँ पे कहीं पे भी नहीं है, कहाँ पे है 20 यहाँ पे कहीं पे भी नहीं है। 20 कहाँ से शुरू हो, मतलब 20 किस ग्रेड में आएगा, एफ ग्रेड में आएगा। 0 से लेकर 30 तक एफ ग्रेड देगा, तो 0 से लेकर 30 तक मतलब ये अप्रॉक्सीमेट वैल्यू जिसको वी लुकअप देखेगा और उसके हिसाब से वो वैल्यू रिट्रीव करके देगा। सो इसीलिए जब भी ऐसी कोई केस आएगा तब भी हम अप्रॉक्सीमेट मैच पूछेंगे, वरना एग्जैक्ट मैच देंगे उसको। हाँ अब इसको रिट्रीव कर देंगे, बस हो गया एकदम आसानी से, कितनी अच्छे से हमारा वैल्यू कब हो गया। सो यहाँ पे हम जब जो भी वैल्यू देंगे उसके सामने ये ग्रेड रिट्रीव करके लाएगा। देखिए मैं 101 दिया, अब 91 से जितना भी ऊपर जाएगा हाँ उतना ये ओ ग्रेड देगा, 200 दिया तो ओ ग्रेड देगा। अगर हम यहाँ पे 91 से 100 तक यहाँ पे एक रेंज लगा देंगे तो ये 100 के ऊपर एनए दिखाएगा, वैल्यू एरर दिखाएगा। तो ये था आज का एग्जांपल, आई थिंक इट इज़ हेल्पफुल फॉर यू। अगर आपको ये पसंद आए तो वीडियो को ज़रूर लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू, बी विद अस।